नोट करते जाओ इसमें क्या क्या है। यदि मान लो किसी को नोट करना हो तो इसमें है काजू, बादाम, पिस्ता, तो ये हैं अपने अंकुरित चने, मूंगफली और सोयाबीन जो आपने उस दिन देखा था हमने भिगोई थी। Thought that you should know, I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah, dancing on my own. चलो जी छत पे आए हैं कड़ी पत्ता तोड़ने के लिए। और ये मेरे सामने क्या दिख गया मुझे, कबूतर गाइस। और ये हरियाली देखो आप, हरियाली देख रहे हो कितनी प्यारी है, सारे पेड़ पौधे हरे हो रखे हैं। और ये भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, ला रहा हूँ, देख रहे हो आप छत पे बैठा है मस्त। चलो एक बार चलते हैं इसको देखते हैं, यदि हाथ में आए तो छूने की कोशिश करते हैं इसको, आएगा हाथ में। धीरे धीरे जा तो रहा हूँ मैं, अरे उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। चलो भाई सब कड़ी पत्ता तोड़ लेते हैं फटाक से, चलते हैं नीचे। आज बन रही है सेवैयाँ, तो पेड़ पौधे तो बढ़िया होगा यार, सारे हरे हो गए हैं। बस ये इसमें थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ जाती है, ये देख रहे हो आप, ये कीड़े वीड़े खा रहे हैं, पता नहीं कौन खा रहा है इनको, समझ ही नहीं आ रहा यार। इसमें खैर कलियाँ तो आ गई हैं, फूल तो हो जाएंगे इसमें बढ़िया। चलो ठीक है, वैसे गुड़हल का पेड़ इसमें और फूल निकला है तो ठीक है, बाकी ये अनवांटेड प्लांट्स पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये। खैर कड़ी पत्ता तोड़ लेते हैं बंदो, इतने बहुत हैं। चलो जी कड़ी पत्ता काफी है, अच्छा मौसम है यार आज, कितना बढ़िया देखो ऊपर, आसमान आसमान आसमान, सामने पेड़ पौधे भी मस्त खिले हुए हैं। तुलसी पता नहीं क्यों मुरझा रही है यार, मुझे लग रहा है ज्यादा पानी में तुलसी मुरझा जाती है, ज्यादा पेड़ों में देखो अलग ही कीड़े। अच्छा माऊ लग गई है इसमें यार गाइस, माऊ लगी है इसमें, इसीलिए ये इतना वैसी हो रही है। बाकी ठीक है, इसमें पेड़ आ गए और सामने वाले में पेड़ आ गए, पानी भर जाता है सब पे देख रहे हो। चलिए गाइस आज बना लेते हैं हम ब्लैक कॉफी, मम्मी तो सेवैया बना रही है, कड़ी पत्ता तोड़ लाया हूँ, बहुत दिनों से ब्लैक कॉफी नहीं पी, तो सोच रहा हूँ ब्लैक कॉफी बना दूँ थोड़ी सी, क्या होती है मम्मी? और चाय वगैरह तो जैसे आपको मालूम मैंने छोड़ ही दी है कभी कभार, जैसे दोपहर में शाम को जिम से आने का पी लेता हूँ कभी कभार, लेकिन वो भी नहीं पी रहा हूँ क्योंकि मैं आजकल प्रोटीन पी रहा हूँ, उसके चाय का पीने का मतलब ही नहीं बनता है। तो ठीक है दोस्तों दिन की शुरुआत करते हैं, जय श्री कृष्ण राधे राधे जय श्री राम बजरंग बली की जय, जय महाकाल, कैसे हो आप लोग? मालूम है मेरे को बहुत सेक्सी हो आप लोग, बहुत मस्त रहते हो, दुआ करता हूँ मैं आप लोग के लिए। और यार आज एक गलती हो गई, आज ये गलती हो गई कि मैंने पूजा किया, पूजा की और पूजा करने के बाद ना तिलक लगाना भूल गया मैं, पता नहीं क्यों कहाँ दिमाग था मेरा, तिलक लगाना भूल गया। और ठीक है बिना तिलक के वो चंदन का तिलक रहता है ना तो ठंडक देता है सर में, और कुछ नहीं है वो, और मतलब और भी होते होंगे बेनिफिट्स मुझे इतना नहीं मालूम, मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है वो ठंडक देता है इसलिए मैं लगाता हूँ, मेरे को बढ़िया लगता है वो। ठीक है चलो मिलते हैं फिर आगे, ब्लैक कॉफी बना के मिलता हूँ मैं आपसे। तो ये हैं अपने अंकुरित चने, मूंगफली और सोयाबीन जो आपने उस दिन देखा था हमने भिगोई थी, तो अभी सब अंकुरित हो चुकी हैं। ठीक है इसमें से अंकुर निकल आए हैं काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है ना। चलो फिर इनको खाते हैं, इसमें थोड़ा सा नींबू वगैरह और नमक वमक थोड़ा चाट मसाला वगैरह डाल लेते हैं, अच्छा लगेगा खाने में। चलो जी तो दोस्तों मम्मी खा रही है मिंगोड़े, वैसे ये भी हेल्दी होते हैं, काहे के बनते हैं ये? मूंग की दाल के। हाँ तो ये मूंग की दाल के बनते हैं, ये भी हेल्दी है। और अपने पास ये है अपन ये खाएंगे, इसमें अपन ने थोड़ा सा नींबू प्याज टमाटर और थोड़ी सी आलू भुजिया मिक्स कर ली है, थोड़ा स्वाद आ जाएगा हल्का सा। एक बात बताती हूँ अपने फूफा जी की, हमारे सबसे बड़े फूफा जी थे, नाया जी की सबसे बड़ी बहन थी चौहानों में भी आई है, वो लोग मतलब पैसे वाले तो कई होते हैं चौहान लोग, और मैंने पूरी चौहान तो बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं, तो एक जो हमारे गाँव के ही कोई थे उनके दो घोड़ी थी, जो अरेबियन घोड़ी नहीं बोलते थे वो घोड़े थे उनके यहाँ अरेबियन, हाँ वो उनको पसंद आ गए, दिमाग नहीं दिए ठीक है कोई बात नहीं, रात में आए ले गए एक घोड़ी, हाँ घोड़ी ले गए तो मतलब उनने मांगे उन्होंने मना कर दिया, तो स्टार्ट लगाई तो भाई घोड़ी कोई लेके नहीं जा सकता, घोड़ी पे कोई काठी नहीं चढ़ा सकता, मतलब इस पे घोड़े चढ़े तो उसकी रहती है, तो मतलब काठी चढ़ा के दिखाओ, अब काफी पैसा वासी हुई और ले नहीं जा सकते ले जा नहीं सकते, पर ठीक है रात में एक घोड़ी ले गए और पता नहीं पड़ा उसी दरभंगा में मच गया, घोड़ी कहाँ चली गई, घोड़ी कहाँ चली गई, कहाँ चली गई,
फूफा जी बोले देखो हम बताए घोड़ी, बोले हम लेके गए घोड़ी, बोले हो ही नहीं सकता, तुम लेके गए कैसे लेके गए, बोले हम बताते कैसे लेके गए, दूसरी घोड़ी पे भी काठी चढ़ाई, दूसरी भी ले गए, अरे दूसरी भी ले गए ऐसे ही, कह रहे ऐसे लेके गए थे हम, कुछ नहीं बोला कि उसने सामने वालों ने, अब उनसे बोला ना कि हम बताते कैसे लेके क्या होगा, कैसे लेके गए हम, बोले हम ऐसे लेके गए, दूसरी भी ले गए, फिर लड़ाई दंगा नहीं हुआ, फिर क्या जो भी हुआ होगा पैसे ऐसे दिए होंगे जो भी हुआ सॉर्ट आउट हुआ होगा, कि हम दूसरी भी ले गए वो बहुत बहुत तेज थे, बहुत तेज थे, और चिंटू मतलब मैंने तो नहीं देखा, बुआ ने देखा, क्या नाम नानी ने देखा, उसने लंबे चौड़े क्योंकि दरवाजे से तो निकलेंगे ही नहीं, कम से कम सात सात साढ़े सात फुट के होंगे, खूब अच्छे मतलब जैसे चौहानों में होते ना ठाकुर राजा वैसे, और बुआ भी ऐसे, बुआ तो मुझसे भी लंबी थी, तो ये बड़े वाले बब्बा लंबे तो तोड़े थे, अपने बब्बा हैं छः छः तीन चार हाइट है बब्बा की, बब्बा पतले हैं, बब्बा पे बब्बा अभी पतले हैं, बब्बा की आप पहले की बॉडी देखोगी ना, नहीं नहीं मतलब बॉडी एक अलग चीज होती है, वैसे जो सॉलिड जो उनकी थी होती है ना जैसे पहलवानों वाली, क्योंकि डंड लगाते थे ना पहलवान ही करते थे, वो चीज थी बब्बा की, मैंने पुरानी बहुत पुरानी फोटो देखी है, अब बुआ मुझसे लंबी और इतनी सुंदर मतलब कैसे लगता है कि इसे छू दो मैली हो जाएंगी, इतनी बुरी चुटकी और खूब फीचर्स खूब अच्छे, नहीं बब्बा की भी कि मैंने बहुत पुरानी फोटो देखी है, तो बब्बा बहुत लंबा, एक तो बब्बा छः दो या छः तीन है ठीक है, उसके बाद बब्बा की बहुत पुरानी फोटो देखी, तो बब्बा ने बॉडी बना रखी थी, बॉडी बता कौन सी वाली जो जैसे जिम में जाते हैं ना, जिम वाली बॉडी बना रखी थी बब्बा, उस जमाने में जिम जाते थे बब्बा बताते थे, जब बब्बा यहाँ पे रहते थे ना, कहाँ पे पढ़ रहे थे, आतरस में नहीं, यहाँ पे ये मुलायम सिंह और बब्बा एक ही कॉलेज में पढ़े ना, कौन सा कॉलेज था वो, हाथरस में पढ़े हैं, हाँ तो कौन सा कॉलेज, मैं नहीं, हाँ तो कोई कॉलेज था, बब्बा बताते कि वहाँ पे, हाँ तो बब्बा वहाँ पे रूम रेंट पे लेके रहते थे, तो खूब दूध घी और जिम जाते थे उस टाइम जिम जाते थे सोचो, तो बब्बा ने ऐसी बॉडी बना रखी थी बकायदा अच्छी, मुलायम सिंह के साथ में थे ना बब्बा, साथ में मुलायम सिंह और बब्बा क्लासमेट थे, क्लासमेट नहीं थे, जूनियर था बब्बा का मुलायम सिंह, अपने दो हाथनी भी तो थी, एक हाथनी तो मेरे सामने ही थी, और जो रथ था रथ में तो इनकी इनकी शादी बरात गई थी, मोनो तो मम्मी ने छोटे लिखाई थी, तो वो रथ में उनकी बड़ी शादी हुई थी, तो मेरे सामने ही थी, क्या नाम था इतनी, लक्ष्मी, लक्ष्मी नाम था, वो बोले एक बार ऐसे हमने मतलब चढ़ने की कोशिश करे लेकिन हम गिरा दिया था, घोड़े वोड़े तो मेरे सामने थी क्या इतनी, मैंने शायद देखी है, नहीं नहीं नहीं, छोटे ताऊ जी की शादी हुई थी तो उसके बाद एक्सपायर हो गई है, अच्छा साथ में काट लिया था, मैं क्या हो गया तो तब एक्सपायर हो गई, उसी साल एक्सपायर हो गई थी, घोड़े तो अपने यहाँ भी थे, कहाँ चले चले क्या उन्हें, जैसे समय आता गया समझो, हमारे नाना जी तो उसके बच्चे अच्छे नहीं हुए, तो फिर जैसे साइकिल आते गए घोड़े हटाते गए, घोड़े का मतलब ये है कि यदि आप यूज नहीं करोगे तो खाने को चाहिए ही ना, हमारे नाना जी की जो बूटी थी ना वो इतनी चिंटू इतनी समझदार थी, नानी बताती है एक बार नाना जी जा रहे थे रात में, नाना जी को मतलब घोड़े को देखो दो चीज का एहसास हो जाता है, सांप का और किसी मतलब बुरी आत्मा का, तो मतलब जा रहे थे जहाँ से तो वो बीच में नाला और सुनसान एरिया पड़ता था, हाँ ये तो कहानी मैंने सुनी है, तो वो घोड़ी आगे बढ़ी ही नहीं, फिर ये तो मैंने सुना सुनाई थी ना, नहीं घोड़ी आगे बढ़ी ही नहीं, हमारे नाना थे, हाँ हाँ नाना की कहानी सुनी है मैंने, तो वो आगे बढ़े ही नहीं, फिर तो भाई आज ना मील में बहुत सारी चीजें ऐड करने वाले हैं, जैसे कि पहले दूध हो गया, फिर हम कॉर्न्स भी लेंगे आज ठीक है, उसके बाद एक केला एज यूजुअल जो हम खाते हैं ठीक है, उसके बाद अपना ये नेचुरल प्रोटीन पाउडर, हाँ आज मैं आपको बताता हूँ यदि किसी को भी इस तरीके से घर पे अपना प्रोटीन पाउडर बनाना हो तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, मैं आपको ये बताता हूँ मतलब जी से ठीक है, चलो तो आप लोग नोट करते जाओ इसमें क्या क्या है, यदि मान लो किसी को नोट करना हो तो, इसमें है काजू बादाम
पिस्ता, अखरोट, ब्लैकबेरीज, उसके बाद सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, उसके बाद चाया सीड्स, उसके बाद इसमें है मूंगफली, उसके बाद इसमें और क्या क्या है, तिल है, उसके बाद हाँ अंजीर है इसमें, हाँ इतनी सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है, जिसको भी नोट करना है नोट कर सकता है। और दो इंग्रेडिएंट्स और हैं, उनको मुझे नाम याद नहीं आ रहा और मुझे उनके नाम पता भी नहीं है, ठीक है। तो जितना मैंने आपको बताया आप उतना भी नोट कर सकते हो, उतना भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया अपना मील, और उसके बाद आज हमारे पास रहेगा वही कॉर्नफ्लेक्स तो रहेंगे एज यूजुअल। एक चीज़ और बनाऊंगा आज, बनाऊंगा मैं सूप और ऐड करके जाऊंगा आज, मतलब सूप भी पीऊंगा क्योंकि आज 3:30 बजे ही मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, लंच कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ सूप भी ऐड करूँ ब्रोकली वाला, उसमें प्रोटीन वगैरह होता है काफ़ी, है ना। चलो बना लेते हैं, मिलते हैं फिर आगे जिम में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई शुरुआत में, कल मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में, एक नई शुरुआत एक अच्छे दिन में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, बजरंगबली की जय गाइस, और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मैं देख रहा हूँ आप लोग को अच्छा लगा है और ब्लॉग जो अभी रिसेंट मैंने डाला है वो आपको अच्छा लगा है जिम से रिलेटेड। तो आपको जिम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या आपको एक्सरसाइज सीखनी हो, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ लेकिन मैंने 2019 में ट्रेनिंग ली है एक प्रोफेशनल ट्रेनर से, पर्सनल पीटी था मेरा, तो मुझे फॉर्म्स आते हैं कि किस तरीके से एक्सरसाइज को भी परफॉर्म की जाए, डाइट वगैरह, यदि साइंस के बारे में भी थोड़ा सा मुझे मालूम है, साइंस और फिजिक कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, कैसे आप साइंस के थ्रू बॉडी बना सकते हो, है ना, मसल्स गेन कर सकते हो। अब मैं भी उसी प्रक्रिया पे हूँ अभी, क्योंकि मैंने अभी मुझे फिलहाल ही में 1.5 महीना हुआ है जिम ज्वाइन किए, बट आई नो द साइंस, तो आई नो द फॉर्म्स, ठीक है, सो मैं बिल्ड कर लूंगा, लेकिन मेरा थोड़ा थोड़ा कभी कभी गैप हो जाता है एक दो बीच में, तो होगा होगा बन जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा आखिरी में कि जिम जो है वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की एक्सरसाइज नहीं है। ये जो बोला जाता है कि 2 महीने में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे या 3 महीने में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, या कुछ लोग बोलते हैं कि हमको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया ट्रांसफॉर्म करने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक कंसिस्टेंसी का माइंड गेम है, है ना। आप कितने कंसिस्टेंट हो आप अपने जिम में, आपका माइंड कितना पावरफुल है, आप कितनी एक्सरसाइजेस कर सकते, मतलब कितनी नहीं, ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, मतलब किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो और आलस नहीं दिखा रहे हो, रेगुलर मतलब हर एक एक्सरसाइज के बीच में एक प्रॉपर गैप ले रहे हो, रेस्ट ले रहे हो, अपनी प्रॉपर डाइट रख रहे हो, तो ये पूरा एक साइंस का और माइंड का गेम है और कंसिस्टेंसी का गेम है ना। तो कोई भी गेन कर सकता है, कोई भी बॉडी बना सकता है, कोई भी फिट रह सकता है, स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है, ठीक है गाइस। तो यदि किसी को चाहिए हो ऐसा स्पेसिफिक वीडियो तो बिल्कुल बताना, आप मैं बना के डालूंगा। तब तक के लिए जय जय हिंद, जय श्री राम, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।